गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 8 प्राकृतिक संसाधन के विषय में बताऊंगी। प्राकृतिक संसाधन से यानी जो अपने हम जीवन जरूरत की चीज़ें पूरी करते हैं। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, संसाधनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है मालिकाना आधार पर, दूसरा पुनः प्राप्यता के आधार पर, तो तीसरा वितरण के क्षेत्र पर के आधार पर। परंतु मालिकाना दृष्टि से संसाधन के प्रकार इस प्रकार होते हैं, यह जानकारी तालिका की मदद से हम समझेंगे। मालिकाना दृष्टि से व्यक्तिगत संसाधन, इसका विवरण क्या है? किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकाना, इसका मालिक कौन होता है? या तो कोई व्यक्ति होता है या कुटुंब का कोई एक मुखिया मालिक होता है, उदाहरण से भूमि, आवास आदि। व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण है भूमि, आवास आदि। राष्ट्रीय संसाधन दूसरा है। राष्ट्रीय संसाधन किसी देश या प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति, उदाहरण के रूप में जैसे सेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये क्या है? देश और प्रदेश की सार्वजनिक संपत्ति है। तीसरा है वैश्विक संसाधन, संपूर्ण विश्व की ऐसी तमाम भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग हम मानव कल्याण के लिए करते हैं। इसमें क्या संपूर्ण विश्व की बात की गई, उसमें क्या तमाम भौतिक और अभौतिक चीजें होती हैं जिसका हम उपयोग मानव कल्याण के लिए करते हैं। उदाहरण विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना का संसाधन, ये क्या है? विश्व के सभी राष्ट्र हैं वो संयुक्त रूप से एक साथ दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मालिकाना संसाधन, ये हुआ वैश्विक संसाधन। संसाधनों के वितरण के आधार पर इसके प्रकार इस प्रकार हैं। वितरण क्षेत्र के अनुसार पहला है सर्वसुलभ संसाधन, तथ्य वातावरण में रही उपयोगी वायु, उदाहरण वातावरण में क्या कौन सी वायु उपयोगी रहती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या है? सर्वसुलभ संसाधन के उदाहरण हैं। दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन का तथ्य क्या है? ये सामान्यतः मिले ऐसे, मतलब सामान्यतः यह मिल जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे भूमि, जमीन, जल, गोचर। और तीसरा है विरल संसाधन, जिसके प्राप्ति स्थान मर्यादित हैं, ऐसे खनिज, इसका तथ्य क्या है? जिसके प्राप्ति स्थान कैसे ऐसे मर्यादित होते हैं, ये ऐसे खनिज हैं, उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम आदि। उदाहरण के तौर पर कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना और यूरेनियम आदि चीज़ें। चौथा है एकल संसाधन, विश्व में भाग्यवश एक या दो स्थानों पर मिलने वाले खनिज। एकल संसाधन हम किसे कहते हैं? जो पूरे विश्व में एक या दो स्थानों पर ये खनिज मिलते हैं उसको हम एकल संसाधन कहते हैं। बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एकल संसाधन किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम ऐसे ही लिखेंगे कि विश्व में एक या दो स्थानों पर ही ये खनिज मिलते हैं जिसे हम एकल संसाधन कहते हैं। इसका उदाहरण है क्रोलाइट खनिज, जो सिर्फ ग्रीनलैंड से ही प्राप्त होता है। तो बच्चों आज हम संसाधन को वितरण से जाने, पहला था सर्वसुलभ संसाधन, उसका उदाहरण था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दूसरा था सामान्य सुलभ संसाधन, उसका उदाहरण भूमि, जल, जमीन, जल और गोचर था, तीसरा था विरल संसाधन जिसमें जिसका उदाहरण विरल, देखो एग्जाम में पूछा जाता है सर्वसुलभ संसाधन को उदाहरण दो, सर्वसुलभ संसाधन का आप क्या उदाहरण दोगे? उदाहरण के रूप में देखेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और सामान्य सुलभ संसाधन के बारे में पूछा तो सामान्य सुलभ जो आसानी से कहीं भी मिल जाए, जैसे भूमि, जमीन, जल और गोचर। और विरल संसाधन, विरल संसाधन
कैसा यह मर्यादित होते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं मिलते हैं उसको हम, जो ज़्यादा ना मिले उसको हम विरल संसाधन के जैसे मर्यादित हो। जो विरल संसाधन और एकल संसाधन यह परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, दोनों से एक चीज़ तो हमेशा पूछी जाती है। विरल संसाधन यानी जो मर्यादित, जिसकी सीमाएं मर्यादित होती है, मतलब मर्यादा यानी सीमित से ही, लिमिट से ही जो प्राप्त होती है उसको हम मर्यादित विरल संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम आदि। और एकल संसाधन, एकल संसाधन जो भाग्यवश यानी कि बोलते हैं ना भाग्य, कहीं कहीं जो एक या दो स्थानों पर पाया जाता है उसको हम एकल संसाधन कहते हैं। एकल संसाधन में क्या होता है, क्रायोलाइट खनिज जो सिर्फ कहाँ मिलता है, जो सिर्फ ग्रीनलैंड से ही प्राप्त होता है उसको हम क्रायोलाइट खनिज कहते हैं। क्रायोलाइट खनिज ग्रीनलैंड में मिलता है और जो भाग्यवश एक या दो स्थानों पर ही मिलता है उसको हम एकल संसाधन कहते हैं। तालिका में देखकर हम दो प्रकार के वर्गीकरण समझे हैं। संसाधनों को विभाग अन्य रूपों में किए जा सकते हैं, जिसमें नवीनीकरणीय संसाधन है, ये दो भाग लिए जा सकते हैं, इसके दो भाग लिए जा सकते हैं। कुछ संसाधन स्व में निश्चित समय पर उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं, अथवा वे न खत्म हो ऐसे अफूट होते हैं। मतलब ये जो नवीनकरणीय संसाधन है इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। कुछ संसाधन क्या है, अपने स्वयं से वो निश्चित करके उपयोग में लिए जाते हैं, और कुछ तो न खत्म हो ऐसे अफूट होते हैं, जैसे जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि इस वर्ग में आते हैं, इसे नवीनकरणीय संसाधन कहते हैं। बच्चों लोगों को संसाधन है इसको अच्छे से पढ़ना, नवीनकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, एकल संसाधन किसे कहते हैं, विरल किसे कहते हैं, और सर्वसुलभ किसे कहते हैं। ये क्या है, नवीनकरणीय संसाधन जो क्या है स्वयं हमें मिलते हैं, जैसे जंगल वो स्वयं प्राप्त होता है, सूर्य का प्रकाश भी हमें स्वयं अपने आप से ही, मतलब बाहर खड़े हो जाए तो हमें प्राप्त हो जाता है, पशु पक्षी ये सब कैसे नवीनकरणीय संसाधन है। जबकि अनवीनकरणीय संसाधन वे हैं जो संसाधन एक बार उपयोग के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते अथवा उन्हें पुनः बनाया नहीं जा सकता, नजदीक के भविष्य में उनका उपयोग निर्माण असंभव है, जैसे खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का समावेश इस वर्ग में आते हैं। देखो नवीनकरणीय संसाधन में क्या आया, जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी आदि, और अनवीनकरणीय संसाधन में क्या है, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब का समावेश होता है। तो धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में आपको संसाधनों के आयोजन एवं संरक्षण के विषय में बताऊंगी।